H1B वीज़ा वालों के लिए गुड न्यूज़ है। अमेरिका ने जारी किए H1B वीज़ा का कोटा और योग्य एजुकेटेड कर्मचारियों की ज़रूरत अमेरिका में ज़्यादा है। अमेरिका ने यह साल भी ज़्यादा H1B वीज़ा दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 2018 और 2019 में अप्रूवल 84% था, उसकी तुलना में अभी 97% है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वहीवटी तंत्र ने एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की डिमांड की और सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को नकारने का काम किया था। REF को कम करने की कई कारण है, एविडेंस की ज़रूरत है, पर नीतियों के लिए मैनेजमेंट में चेंजेस करना, सम्मान पुनर्स्थापित करना जरूरी है। और निश्चित रूप से IT सर्वर का डिसीजन, क्योंकि यह IT स्टाफिंग कंपनी है। कुछ H1B वीज़ा पोजीशंस के लिए जून 2020 में IT के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद सर्वर अलायंस, एक US आधारित IT इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, USCIS फैसले से जुड़े दो पॉलिसी मेमोरेंडा के संबंधित डिसीजन, और ये यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्ट कोर्ट के आदेश के बाद आया है। पिटिशनर के लिए ये आवश्यक था कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप, ये मेमो और अन्य मेमोरेंडम के साथ एक एम्प्लॉयज़ को यात्रा कार्यक्रम को जमा करने की आवश्यकता होती है। अब सर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा वीज़ा को अस्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब सर क्लाइंट लोकेशंस पर स्टाफिंग कंपनीज और IT सर्विस कंपनीज वर्कर को तैनात करती है। समझो अब दूसरी लॉटरी अगले नए के साल में निकलेगी, क्योंकि इसे चाहिए अब उतनी एप्लीकेशन मिली नहीं है और कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा निर्धारित अपर लिमिट को पूरा करें। एवरी ईयर यूनाइटेड स्टेट इश्यूज 65,000 न्यू H1B वीज़ास और अन्य 20,000 ऐसे व्यक्ति को वीज़ा जारी किए जाते हैं जिसने यूनाइटेड स्टेट में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके लिए इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स कॉल कर रहे हैं, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में व्यापक सुधार हो रहा है कि 6 महीने के भीतर ही व्यक्ति वास्तव में वहाँ हो सकता है, पर जिसके लिए एम्प्लॉयज़ को वर्तमान में वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना।